नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 दिसंबर 2020। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम द हिंदू की जो करंट्स न्यूज हैं उनके साथ स्टैटिक्स पोर्शन को कोरिलेट करके डिस्कस करते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है, फार्मर्स गेट इनवाइट फॉर टॉक्स अगेन। किसानों से बातचीत करने के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें इनवाइट किया है, जो कि 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन के थ्रू किसानों से और गवर्नमेंट के बीच जो 3 बिल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लाए गए हैं उनके एग्नेस्ट में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के द्वारा, जैसे पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तीसरा जो बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इन बिलों के एग्नेस्ट में फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है ये आप लोग पहले ही जान चुके हैं। तो उस पर बातचीत के जरिए उसका हल निकालने के लिए 30 अगस्त को उनको इनवाइट किया गया है एक मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के थ्रू। तो ये हुई जो काफ़ी दिन से सितंबर में जब से ये ऑर्डिनेंस लाया गया था तब से आज तक का देश में काफ़ी हाहुल्ला मचा हुआ है। तो इसमें जो पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि शांति को बनाए रखें। और वहीं जो नरेंद्र मोदी जी पीएम जी हैं उनका कहना है कि वर्किंग टू एक्सपैंड मार्केट्स, इनसे जो है मार्केट को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये था जो फार्मर्स गेट इनवाइट फॉर टॉक्स अगेन। अभी इससे पहले भी गवर्नमेंट व किसानों के बीच बात चली थी लेकिन कोई भी नतीजा उसका नहीं निकला। क्यों? क्योंकि किसान जो हैं इसको रिपील करने की मांग में डटे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 4 स्टेट्स बिगेन ड्राई रन फॉर रोल आउट वैक्सीन्स। जो ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स है वो 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में रोल आउट किया गया है। तो आखिर ये वैक्सीन क्या होती है? यहाँ ये जो करंट न्यूज है, करंट न्यूज में आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि सर्वप्रथम कौन से भारतीय स्टेट हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को शुरू किया। तो पहला है असम, आंध्रा, गुजरात और पंजाब। तो हम इसमें जानेंगे कि आखिर वैक्सीन क्या होती हैं, ये कितने फेज से होकर, अगर वैक्सीन बनाई जाती हैं तो कितने फेज होकर से ये गुजरती है। तो वैक्सीन सर्वप्रथम जो है एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा चेचक के जो चेचक हो जाता है उस चेचक की वैक्सीन का निर्माण किया गया था। और ये जो वैक्सीन होती हैं ये 3 प्रकार से बनाई जाती हैं, या फिर जो डेड वायरस होते हैं मृत वायरस से, और जो दूसरा प्रकार है वो या तो सजीव वायरस जीवित वायरस से, या फिर इन दोनों के बीच मृत और जीवित यानी जो कमज़ोर हो जाता है उससे वैक्सीन बनाई जाती है। तो आखिर इनसे जो वैक्सीन है काम किस तरीके से करती है,
यदि कोई जो वैक्सीन है, यदि मान लो एक जीवित वायरस से वैक्सीन का निर्माण किया गया, वैक्सीन का निर्माण किया गया, तो ये वैक्सीन शरीर में एक एंटीजन की तरीके के से प्रवेश करती है, और एंटीजन की तरीके से जब ये शरीर में प्रवेश करेगी, तो जो हमारी बहुत सारी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एवं टी लिम्फोसाइट्स, तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इस एंटीजन के विरोध में, सॉरी, टी लिम्फोसाइट्स इसको पहचानेगी, तुरंत सूचना ये जो है बी लिम्फोसाइट्स को पहुंचाएगी, और बी लिम्फोसाइट्स इस वायरस के विरोध में शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है, और जब एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है तो उसके कारण ये जो भी रोगवाहक शरीर पर आया है उसको ये मार देती है। यानी कि कहने का मतलब है, वैक्सीनें जो होती हैं मृत वायरस से या फिर कमज़ोर वायरस से या फिर जीवित से बनाई जाती है, और ये जो होती हैं एक एंटीजन की तरीके से शरीर में इंजेक्ट की जाती हैं, और जब ये शरीर में एंटीजन की तरीके से इंजेक्ट की जाती हैं तो उनके एग्नेस्ट में, विरोध में हमारा जो बॉडी है वो बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, और इस तरीके से जिस वायरस के विरोध में एंटीबॉडी का निर्माण किया है उसको ये समाप्त कर देती है। तो ये हुआ वैक्सीन, यानी इस वैक्सीन जो आई हैं इनको रोल आउट किया गया है असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। बिना ड्राइवर की ट्रेन को मोदी जी के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पहली जो ट्रेन है ड्राइवरलेस, ये दिल्ली मेट्रो, यानी द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑन द दिल्ली मेट्रो, जो मजेंटा लाइन्स हैं उस पर उद्घाटन किया गया। तो ये क्वेश्चन आए कि पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा। जो एम रखा गया है 2025 तक, अभी तक जो इंडिया के 18 शहर हैं, 18 शहरों में जो मेट्रो है ये एक्सपेंडेड है। 2025 तक 25 शहरों में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये हुई हमारी करंट की न्यूज़। तो हम थोड़ा स्टैटिक्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले 1898 में पेरिस में, यानी 10 किलोमीटर की दूरी पर ये मेट्रो लाइन, यानी मेट्रो ट्रेन चलाई गई। इंडिया में 1984 में कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो रेल चली। इंडिया में जो श्री धरन जी हैं, इलाटू वल्लापिल श्री धरन जी, इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनको मेट्रो का जनक भी कहा जाता है भारत में। तो जो इसका अहम रखा गया है 2025 तक 25 शहरों को मेट्रो के अंतर्गत लाना है, जिनमें से आज की डेट में 18 हैं। और जो टोटल मेट्रो लेन है वो 700 किलोमीटर है, जिनमें से 2025 तक 1700 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, आर्मी टू रिस्टोर ग्रेव ऑफ नौसेरा का सेल। ये जो मोहम्मद, जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी हैं, 1947
48 में जो इंडिया पाक वार हुआ था उसमें शहीद हुए थे। तो इनकी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है तो उसके कैंपस में इनकी जो ग्रेव है वो पाई गई है। तो ये आर्टिकल इसके बारे में है। ये जो लोकल न्यूज है ये वही फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। हाँ, एक ये न्यूज जो न्यू पैसेंजर्स हैं उनको जो ट्रैक करने का सिस्टम AGI एयरपोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो दिल्ली एयरपोर्ट्स टर्मिनल जो 3 हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू पैसेंजर्स ट्रैकिंग सिस्टम दैट वुड हेल्प मैनेज द फ्लो ऑफ पीपल, रिड्यूस वेटिंग एंड इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम, इसका काम क्या है कि यह मैनेज करने में हेल्प करेगा जो लोगों के द्वारा भीड़भाड़ लगा लिया जाता है, इससे उसको मैनेज करने में सहायता, इंतज़ार करने में सहायता, टाइम की कम बर्बादी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको इंश्योर करेगा। तो ये ट्रैकिंग सिस्टम IGI एयरपोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड CM रावत एडमिटेड टू एम्स। उत्तराखंड के जो CM देवेंद्र सिंह रावत, जिनको COVID-19 का पॉजिटिव पाया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के CM देवेंद्र सिंह रावत जी हैं।